मेरे साथ. यू गाइस रेडी टू प्ले 10 का दम? यस यस. यार इनको तो रूल्स ही नहीं पता, तो ये हमारे साथ खेलेंगे नहीं, लेकिन हम इनको हमारे साथ रखेंगे फॉर सपोर्ट. ठीक है, गिर जाऊं तो पकड़ लेना भैया. तो आइए खेलते हैं. पहले बात करते हैं, आप कुछ बोल रहे थे. हाँ, कि मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ. आप आमिर पे गए. मैं अच्छी पढ़ाई करता हूँ, गुड बॉय हूँ, मस्ती भी करता हूँ, गेम खेलता हूँ. आपकी मस्ती किस कसम की मस्ती है? जैसे किसी के बाल खींच रहे बिना बताए. भैया मेरे बाल मत खींचना, क्योंकि बहुत टाइम के बाद वापस से आए. और आप तने? बहुत टाइप की मस्ती करते हैं हम तो. मतलब छोटी मस्ती, आपकी जैसी मस्ती नहीं. मेरी जैसी मस्ती क्या होती है? नहीं मतलब आप जो एकदम यू नो लवर बॉय टाइप्स हैं. हाय हाय. और आपकी? मैं तो पहली बार मस्ती करता ही नहीं. नहीं मतलब सबको जल्दी बड़ा होना है, हमें भी 18, 21. क्यों ये क्यों है, बड़ा जल्दी क्यों होना है? ऐसे बड़े लोग क्या करते हैं जो आप देख के सकता है कि काश हम भी ये करें. जैसे मोटरसाइकिल चलाना होता है, गाड़ी चलाना होता है, वहाँ गर्लफ्रेंड्स घुमानी होती है. I don't agree with you. वो तो सलमान अंकल उसमें बहुत ही फास्ट है. 10 साल की थी तब मैंने प्यार किया. मैंने प्यार. और फिर बहुत ही स्लो है, अभी 10-15 साल और लगेंगे शादी करने को. क्या लाइफ है बॉस. कितने प्रतिशत भारतीय बच्चों ने कहा कि वो अपनी मम्मी से अपना होमवर्क करवाते हैं? नो माय मॉम डजंट डू होमवर्क. ओए क्यों? कि मेरी मॉम को बहुत सारा काम रहता है. क्या क्या करती है मम्मी घर में? खाना पकाती है, बच्चों को रेडी करती है. बच्चों? कितने बच्चे हैं मम्मी के? एक मेरी बहन है. अच्छा, एक आपकी बहन भी है. मेरी मम्मी नहीं करती क्योंकि वो भी काफी बिजी रहती है. क्या करती है आपकी मम्मी? वो शी इज अ फाइनेंशियल प्लानर. ओए होए ये लो यार. एंड बट मेरी जो बहुत सारी बहनें हैं, इसलिए इनको प्लान किया है मम्मी ने. प्लान करके पैदा भी किया है और ये भी प्लान कैश भी करेंगी बाद में. तेरा क्या है? मेरे घर में तो कोई हेल्प नहीं करता है, पर मेरी जो दीदी लोग है वो मुझे ट्यूशन देती है. अच्छा, स्कूल के बाद. अच्छा 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 बोलेंगे क्या आप? अरे तो मैं पूछ रहा हूँ, तू बोलो मेरी दीदी लोग मुझे ट्यूशन देती है. मेरी कुछ दोस्त मम्मी की सिग्नेचर फॉर्ज कर डालते. ये तो बड़ी कॉमन बात है बॉस. हमारे घर में तो हमारी मम्मी हमारे लिए हमारे डैडी के भी सिग्नेचर फॉर्ज करके हमको देती थी. तो ना प्रश्न नंबर 3, प्रश्न ये है कि टॉयलेट है, टॉयलेट ठंडी है ना, मेरे लिए रुकना आप प्लीज. अरे रुक, इधर ही कर देना. सब लोग खड़े हैं. क्या फर्क? अच्छा कंट्रोल कर, थोड़ी देर कंट्रोल. चलो फटाफट मेरे भाई, तेरे लिए कुछ नहीं स्टार्ट करूंगा लाइफ में, सब हर चीज तेरे लिए होल्ड पे रखता हूँ मैं. प्रश्न ये है, और इसने बोला नहीं स्टार्ट करो, कर देना, कर देना, आ जाएगा वो, कैचअप कर लेगा. जी हाँ, अब ये गेम होल्ड पे ही रहेगा जब तक वो नहीं आ जाए. आ जा, हाथ धोया ना, हाथ धोया ना. हाँ नहीं दो तो मेरे पैंट पे पूछ ले. जी जी जी. आ जा. नहीं धोया यार. स्टार्ट करेंगे? हाँ स्टार्ट करें. तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूँ. हाँ ताने का सा. है?
ये क्या एंड में क्या है? आप अपना माइक ऑफ करना भूल गए थे बस। हाँ, और फ्लश है, फ्लश भी करके आदमी। चलो अब खेलें बॉस, जल्दी जल्दी चल आइए जी। सॉरी, मुझे माफ कर दो। ये तो आप बाहर भी कर सकती हैं, घर पे भी आ सकती हैं। तो आपको ये 10 का दम का मंच ही क्यों, आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे आके मुझे सलमान से मिलना है? Actually, I wanted you to meet Neil. You wanted to meet Neil? Katrina, what are you doing here? So you're playing Maya in this film? जी। ये न्यूयॉर्क जो आपने पिक्चर ऑब्वियसली बहुत सोच समझ के की होगी, क्योंकि जो आप आजकल पिक्चरें करती हैं, ये करती हैं तो बहुत बहुत दिमाग लगा के, बहुत सोच समझ के पिक्चरें करती हैं। आपको इस पिक्चर में ऐसा क्या लगा, क्यों किया आपने ये किरदार? Well, the honest reason is, which सच्चाई है, thank you for the translation, which a lot of people don't know. वो जो ज़्यादा करके लोगों को पता नहीं। कि मैं हिंदी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं बोलूँगी सिर्फ पर्दे पर। Great, thank you. ये हिंदी में वैसे में। I did this film क्योंकि मैंने पिक्चर इसलिए की क्योंकि सलमान ने मुझे कहा, क्योंकि सलमान ने मुझे कहा था करने। ये लो, अगर पिक्चर चली तो ये तो मैं 10 कदम के शो में ऐसे ही कह दिया था, अगर पिटी तो मुझे सलमान ने मरवाया है। तो आप यहाँ पे बेशर्मों की तरह पिक्चर प्रमोट करने आए, मुझसे नहीं मिलने आए। हाँ, और डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि हाँ हम तो ऐसे ही, हम तो आए पिक्चर प्रमोट करने। मैंने कुछ नहीं बोला। Sorry. मैं मिलना चाहता था, मगर आप मिलना Sorry. चाहते थे। और बाय द वे, आज मैं पहली बार इनसे मिल रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1, दैट मींस 1, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों को अपने से लंबी लड़की से शादी करने में कोई एतराज नहीं होगा? एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है जी। ये क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है यार। मेरा दुर्भाग्य है कि जो जो लड़कियां मेरी जिंदगी में आई थी बहुत अरसे पहले, वो सब मेरे से नाटी थी। और आज का भी सेम मामला है, क्योंकि हमारा हाइट बहुत है। आपको क्या लगता है कि आपसे कोई लंबी है? कोई हो सकती है? बहुत सारी है। आपकी क्या हाइट है? 5'8" झूठ बोलते हैं। लाओ मैजिक टेप, इधर ले आप मैजिक टेप, लाओ मैजिक टेप दो मुझे जल्दी। ये ईमानदारी का, सच्चाई का खेल है, यहाँ पे कोई नहीं चलेगा। जब हमारी देश की आवाम इतने सारे सच जवाब देते हैं, ये अरे ये लो, 5'11" 5'11.5" 5'11" What do you keep on saying that he's 5'11"? Stand still. 5'8.5" हाँ, तो लेकिन ये कॉम्प्लेक्स क्यों होता है लड़कों को? नहीं, आजकल एक्चुअली वो जमाना बदल चुका है। आज फैशन है कि लड़का स्लाइटली छोटा हो और लड़की लंबी हो। अच्छा, क्योंकि देखा क्या पटा है बॉस। अरे हम भी ऐसा पटा देते हैं। हमेशा आप देखते हो ना, वो जो किसिंग का जो पोस्चर होता है, हाँ, कि लड़की हमेशा यूं जाती, आजकल लड़के ऐसे जा रहे हैं।